डीएक्सएन का प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा है, राइट? हेलो, यस, बहुत ज्यादा रेंज है। ये रेंज का प्रोडक्ट को हम कोई नया बंदा को बताने के टाइम में हम एक दो प्रोडक्ट को हम टच करते हैं, दो चार ही टच करते होंगे, लेकिन सारा का सारा इसका रेंज के बारे में हम बता नहीं पाते। इसीलिए सुनने वाला बंदा को मालूम नहीं पड़ता कि डीएक्सएन के पास शायद हुआ कि ये बताएगा, वो बताएगा, कॉफी बताएगा। तीन चीज के बारे में बोला था, इतना तो उसका मालूम होगा शायद। बाकी इसका प्रोडक्ट क्या क्या है, शायद सारा का सारा प्रोडक्ट उसको इन्फॉर्मेशन, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन भी शायद नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये भाई ज्वाइन हो गया है ना, सारा प्रोडक्ट मालूम हो गया, क्या क्या प्रोडक्ट है? नहीं मालूम नहीं, तो ऐसा ही होता है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, कम से कम डीएक्सएन के पास कितना क्या क्या वैरायटीज प्रोडक्ट है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। इसीलिए हमने क्या तरीका बताता हूँ मैं लोगों को कि हमारे प्रोडक्ट तो आइटम्स बहुत सारा है, कैटेगरी चार है। अभी तो इतना तो समझ में, मतलब माइंड में रख सकते हैं ना, चार कैटेगरी। पहला कैटेगरी में आता है फूड एंड फूड सप्लीमेंट। ओके, फूड एंड फूड सप्लीमेंट बोले तो जैसे मशरूम हो गया, स्पर्लिना हो गया, माइकोबेजी हो गया है ना, और अलायंस मैन हो गया, क्या नाम है, हो गया, स्पर्लिना सीरियल हो गया, इस तरह का चीज। और जी ओके, ये सब क्या है, फूड सप्लीमेंट कैटेगरी, फूड एंड फूड सप्लीमेंट कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी क्या है, बेवरेज। बेवरेज में आपको पीने वाला चीज, जैसे कई ज्यादा जूस वगैरह हो गया, और क्या नाम, कॉफी हो गया, चाय हो गया, कोकोजी हो गया, बच्चे लोगों को ज्यादा पसंद होता है ये, बड़ा भी पी सकता है, और कई ज्यादा जूस आइटम्स है ना, मोरेंजी जूस हो गया, रोसली, कड़ी पाइन, वेनिग्रेटी, ये क्या हो गया, बेवरेज। तीसरा कैटेगरी जो है वो क्या, पर्सनल केयर, या तो उसको हम कॉस्मेटिक भी ऐड कर सकते, पर्सनल केयर या कॉस्मेटिक ऐड। कॉस्मेटिक में भी बहुत सारा नहीं आइटम्स है, मशरूम बेस्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी है जो थोड़ा महंगा रहता है, दूसरा एक एलोवेरा बेस्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी है, वो मशरूम बेस्ड से थोड़ा सस्ता हो जाता है। और पर्सनल केयर में टूथपेस्ट हो गया, साबुन, तेल, शैम्पू, बॉडी लोशन है ना, पाउडर, टेलकम पाउडर, ये सारा चीज। और लेडीज लोग के लिए लिपस्टिक है ना, ये सारा चीजें मलेशिया में तो और भी ज्यादा है, लेकिन इधर अवेलेबल है। और चौथा कैटेगरी बोलो तो हाउस होल्ड आइटम होता है, इधर एक ही प्रोडक्ट है उसका, मलेशिया में बहुत सारा प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट वाटर फिल्टर सिस्टम। So, ये चार कैटेगरी प्रोडक्ट, अभी सुनने वाला बंदा को ये मालूम पड़ जाते ना, हाँ चार कैटेगरी का प्रोडक्ट है, खाने पीने का चीज बताया था, राइट, दूसरा बेवरेज आइटम जो पीने वाला चीज जो बताया था, और कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर हाउस होल्ड आइटम, और उसमें एक दो प्रोडक्ट के बारे में कम से कम हम बता देंगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा हाँ इतना प्रोडक्ट है, राइट। तो नहीं तो वो प्रोडक्ट को जानने के लिए उसको कई बार आना चाहिए, एक बार से नहीं होएगा, कई बार आने के बाद तभी वो जाके समझा। ये भी है, कभी कभी हम जिमिन ऐसा खोल के आते हैं दूसरे का खाने के लिए, देंगे चू करने के लिए, तो उन्होंने ये क्या है, वो कई समय से वो डीएक्सएन का मेंबर है लेकिन उसको इसका प्रोडक्ट के बारे में ऐसा मालूम नहीं होता। सो ये तो हमको इस तरह से जाएंगे तो मतलब बहुत अच्छा मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि लोगों को हम जैसे जैसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे तभी ना लोगों को मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि उसके लिए जरूरत, शायद मशरूम उसको जरूरत नहीं लगता था होगा, तो रोसली जो उसको पसंद होता था क्या, राइट। तो इस तरह से जानना, एक तो ये हमारा जो हम जो रोजाना कर रहे हैं उसमें करेक्शन करने वाला चीज। दूसरी बात यह है कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज करने के बाद गुड मॉर्निंग तो पहले बोला है, कई ज्यादा प्रॉब्लम जो है बॉडी में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व भी हो जाता है, राइट। आप लोगों का एक्सपीरियंस है ना,
इसके वजह से लोग क्या समझते हैं डीएक्सएन का प्रोडक्ट दवा है, है ना, यूज किया प्रॉब्लम था सही हो गया, हाँ दवा है, और समझाने वाला भी इसी तरह से समझाता है ना दवा की तरह, और लोग समझते हैं कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज करने के लिए कोई ना कोई बड़ा बीमारी होना चाहिए, इस तरह का समझ है लोगों को। वो लोगों को समझ हमने क्रिएट किया, दूसरा कोई बंदा आगे तो नहीं किया ना, हमने उस तरह से इसको लोगों को समझाया है, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीएक्सएन का प्रोडक्ट हाँ हेल्थ बेनिफिट तो है मिलेगा, क्योंकि हमारा डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर लिम, गुड फूड ऑलवेज लीव गुड रिजल्ट, अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा ना। सो डीएक्सएन क्या कर रहा है, सबका सब अच्छा खाना पीना अच्छा चीज बना के रख दिया है, सो हम अच्छे चीज के बारे में डील कर रहे हैं, वही खा रहे पी रहे लगा रहे, इसीलिए अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये बोल के तो दवा तो नहीं है ना। सो इसको अगर हम दवा करें बोलेंगे तो दो चीज का हम इंसल्ट करते हैं उसी समय, वो क्या, एक तो डॉक्टर लिम जिसने इतना सारा मेहनत करके 10 साल से मेहनत करके करके ये प्रोडक्ट को पहचाना, इसको उगाने का एक सिस्टम बता जाना और अपना ही फैक्ट्री में ये इसको प्रोसेस किया और पैकिंग करके हम लोगों तक पहुंचाया, इसमें उसने बहुत सारा हार्डवर्क किया है, तो अगर इसको हम दवा बोलेंगे तो पहले तो डॉक्टर लिम का इंसल्ट हो जाएगा, दूसरा ये मशरूम बोलेगा तो डीएक्सएन का जो रेड मशरूम जो है गैनोडर्मा मशरूम, ये मशरूम पूरा दुनिया भर का खरबों का राजा माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, खरबों का राजा। सो इसमें 400 से भी ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट है बोल के आजकल का डॉक्टर साइंटिस्ट लोग बताते हैं रिसर्च करके, ओके। सो ये अगर हम यूज करना शुरू करेंगे तो हमारा बॉडी का ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग फंक्शन करना शुरू करेगा, लकीली 400 से ज्यादा जो एक्टिव कंपोनेंट है हमारा बॉडी के लिए फायदेमंद है, सारा का सारा फायदेमंद है। सो हेड से लेके टो तक यानी सर से लेके पाव तक ये ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग करने वाला कोई दवा हो सकता है, आप लोगों को कुछ माइंड में है ऐसे कुछ दवा मिलता है, दवा क्या होता है पर्टिकुलर होता है, राइट, हार्ट का है तो हार्ट के लिए, पेट के है तो पेट के लिए, सर का है तो सर के, आंख का आंख का, बहुत तरह तरह का दवा होता है, राइट। सो ये क्या है, ओवरऑल काम करने वाला सर से लेके पाँव तक और घर में बैठे बैठे नॉर्मलाइजिंग करता है हमारा बॉडी को, सो इसको हम दवा कैसे बोल सकते हैं, इसको अगर हम दवा बोलेंगे तो यही जो रेड मशरूम है इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं उसी समय, सो ये दवा से बहुत बढ़कर है, इसीलिए इसको दवा बोलना ही नहीं, लोगों को दवा बोल के समझाना ही नहीं, ये क्या है, फूड सप्लीमेंट, फूड मशरूम क्या है, फूड, हम दुकान में जाके ग्रोसरी सुपरमार्केट में जाके मशरूम खरीद करके नहीं लेके आते, करी बना के उसको नहीं कहते, सूप बना के नहीं पीते, सो इस तरह से। सो ये दो बात को हम हमेशा जहन में ख्याल रखना चाहिए, ख्याल में रखना चाहिए, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हो और दूसरा को समझाने के टाइम, और अभी अभी हमारा यही प्रोडक्ट को हम मार्केट में फैलाना है, क्योंकि डीएक्सएन में जैसे कोई मेंबर बनता है, जैसे ये भाई मेंबर बन गया आज, राइट, क्या नाम है आपका, जबिंदर, जबिंदर अभी मेंबर बन गया, प्रोडक्ट खरीद करके बन गया, राइट, मेंबर बनता है कोई तो प्रोडक्ट का जरूरत है, राइट, अभी मेंबर बनने के टाइम में मिनिमम परचेस शायद 100 होगा, इसका थोड़ा ऊपर होगा, ये 100 पॉइंट अक्युमुलेट होके जाएंगे, नेक्स्ट में जाके भी ये खरीद करेंगे, शायद ये दोनों भाई को ले आके भी सिस्टम में रख देंगे, वो पॉइंट अक्युमुलेट होता जाएगा, स्टार एजेंट बनेगा, एक बार कभी 4500 पॉइंट जब अक्युमुलेट हो जाएगा, सही है, जब 4500 होने के टाइम पे उसको स्टार एजेंट कहा जाता है, उसमें भी प्रोडक्ट ही आ गया, राइट, रूबी होता है प्रोडक्ट की वजह से, डायमंड बनेगा प्रोडक्ट की वजह से, और क्राउन एम्बेसडर तक बनेगा प्रोडक्ट की वजह से, है कि नहीं। सो ये प्रोडक्ट को हम
सही तरीका से एक्सप्लेन अगर कर पाएंगे तो सारा चीज इसे में बोनस आता है कैसे बोनस कैसे आता है बोनस कैसे आता है प्रोडक्ट सेल करके प्रोडक्ट सेल करके और प्रोडक्ट की वजह से प्रोडक्ट जब मार्केट में हम फैलाएंगे या तो अपना नेटवर्क में फैलाएंगे या तो ये सेल से निकालेंगे और लोगों को कंज्यूम करवाएंगे सेल करने के बोलेंगे प्रोडक्ट मूव हो गया ना ये प्रोडक्ट मूव करने से बोनस मिलता है सो जितना ज्यादा प्रोडक्ट मूव हो जाएगा उतना ज्यादा बोनस मिल सकता है तो सारा काम ये प्रोडक्ट का है तो किसी को अगर हेल्थ का मसला है कुछ तो कोई शायद पहले का कंडीशन अभी का कंडीशन उसको डिफरेंट फीलिंग हो जाएगा है ना वो नॉर्मल भी हो सकता है उसका बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है शायद रिकवरी भी करेगा वो किसकी वजह से प्रोडक्ट की वजह से तो इसीलिए हम प्रोडक्ट में बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि कई टाइम में क्या हो जाता है कि हम जैसे मार्केटिंग तो कर रहे हैं कोई नया बंदा आ गया उसको हम गलत प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे है ना प्रोडक्ट तो सब अच्छा है लेकिन उसके लिए है ना पर्टिकुलर वो बंदा को देख के हम उसको ये देंगे तो सही रहेगा करके हमने जब तक एनालाइज करके वो प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट उसको चुन के नहीं देंगे वही बंदा फिर हम उसको शायद नेगेटिव भी कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को मैं एग्जाम्पल देता हूँ ज्यादातर लोग कौन सा कॉफी पसंद करते हैं बहुत सारे कॉफी है आप लोग कौन से कॉफी पसंद करते हो ब्लैक कॉफी ब्लैक कॉफी आप आया कॉफी पिए कौन सी कॉफी खाता नहीं आज पिया पितर सुबह उधर सुबह कौन से कॉफी ब्लैक कॉफी हम लोग क्या करते हैं नया बंदा जैसे ये भाई ने कभी चाय कॉफी पीता ही नहीं था मेरा ऑर्डर में मिलता है मैं कोई पीता नहीं पीता नहीं था आज फर्स्ट टाइम आके कॉफी उसको पीने को मौका मिल गया डीएक्शन में आके वो भी कैसे कॉफी शायद इनको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया लगता है नहीं तो ये बंदा मेंबर बनने वाला नहीं था क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन राइट पहले आते आते कहीं क्योंकि हमारा ये नेपाल इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका ये कॉफी पीने का जगह नहीं है इधर क्या पीता है ज्यादा चाय पीता है कॉफी भी पीता है लेकिन ज्यादा चाय पीते हैं राइट सो चाय भी पीते हैं कैसे चाय में चीनी डाल के चाय में दूध डाल के चाय में मसाला डाल के क्या क्या डाल के चाय पीते हैं राइट वो रियल चाय का टेस्ट तो शायद लोगों को रियल टेस्ट क्या होता है शायद मालूम नहीं इस तरह से हम चाय पीने वाला लोग आगे सीधा उसको कोई बंदा आया नया ब्लैक कॉफी पिला दे वो भी स्ट्रॉन्ग 3 कप बनाए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना सो उसको क्या लगेगा अरे यार इतना क्या क्या बोल रहा है प्राइस भी क्या क्या बता रहा है बेनिफिट बिजनेस पे क्या बोल रहा है बिजनेस है बोलता है ऐसा वाला चीज है कि मैं कैसे बिजनेस करूं उसका इंप्रेशन ये आएगा कि नहीं सो सेम वे में मेंबर बन गया उसको हम क्या चीज देंगे उसमें भी डिपेंड करेगी कि कई ज्यादा चीज है हमारा टेस्ट के लिए नहीं बेनिफिट के लिए इसीलिए इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है किसी को स्मेल अच्छा नहीं लगता है सो हमको बहुत ख्याल करके इन चीजों का ऊपर यानी लोगों को परोसना चाहिए नहीं इनको कैसे देना क्या देना सोल्यूशन में नहीं तो अगर देंगे लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा आ गया बस शुगर है उसके बॉडी में है ना शुगर को धीरे धीरे बॉडी से नॉर्मलाइज करने के लिए तो ये तो मास्टर प्रोडक्ट जो है मशरूम है तो जरूरी है राइट अगर हम ये चीज देंगे उसको समझा क्योंकि ये मशरूम टेस्ट इसका कैसा है बीटर टेस्ट है ये बीटर टेस्ट है लेकिन हम पी सकते हैं क्योंकि अपना बॉडी में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम कुछ यानी बेनिफिट मिलने के लिए थोड़ा आपको बीटर भी लेना चाहिए करके उसको समझा के हम देंगे तो उसको पहले लगेगा खोलने से पहले वो लगेगा कि ये बीटर टेस्ट है तो इतना मालूम होने के बाद वो शायद इसका यानी नेगेटिव की तरफ शायद नहीं सोचेगा तो इस तरह से
जाना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है. सो अभी हम आते हैं इधर रमजान के महीने. सबसे पहले कोई भी चीज को हम मार्केट में अगर हम प्रोपेगेट करना है, फैलाना है, तो हमको सबसे पहले ये अनुमान अंदाज होना चाहिए कि मार्केट में वो चीज का नीड है कि नहीं. अगर कोई चीज लोगों को जरूरत है तो हम थोड़ा इजीली प्रोडक्ट को मोबिलाइज कर सकते होंगे. सो वो हमको पहले अंदाज करना चाहिए. और भी ये महीना पर्टिकुलर अगर हम देखेंगे तो जो जो फास्टिंग करता है, तीन बार फास्टिंग करे, कुछ नहीं खाएगा, राइट. और हमने ये गली गली में देखा है कि जो जो फास्टिंग को ब्रेक करने वाला जो खाना रेडी करके रखता है ना, वो आप लोगों को क्या लगता है, वो सही होगा खाना? सही नहीं. सही देखने में क्या है, वो सब क्या होता है, फ्राई किया, डीप फ्राई किया वाला खाना और मसालादार खाना, इस तरह का चीज ज्यादा लगता है. So, जो फास्टिंग कर रहा है कितना कितना तक करता है फास्टिंग? 15 आवर्स इन यूएई. 15 आवर्स तक फास्टिंग करने वाला बंदा, उसके पेट में कुछ नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, खाली हो गया है, इसी साथ इस तरह का जो फ्राई किया वाला है, डीप फ्राई किया वाला ऐसी चीज खाएंगे तो हेल्थ में तो खराबी आएगा आएगा ना, है कि नहीं? सो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो यानी कुछ ऐसा तेल या मसाला या कोई भी इस तरह का स्पाइसेस डाला हुआ खाना नहीं चाहिए. शुरू में हमको एकदम सादा खाना खाना चाहिए. डीएक्सएन का प्रोडक्ट अगर हम बोल तो सबका सब सादा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या बोलते ये जूस बोलो तो ये कितना अच्छा जूस है, फल का जूस, जो दुनिया भर का सारा जो फ्रूट्स है उन फ्रूट्स से कुछ बेनिफिट इसका दर्जा नहीं मिलता होगा, इतना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला जूस है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है ये, मतलब इसको हम पानी डाल के हम पी सकते हैं, या तो इसके साथ रोसेली भी मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा, उसको जो है ना दिन भर में उसको क्या क्या चीज उसने यूज किया अपना बॉडी न्यूट्रिएंट्स, उसको ये इमीडिएटली फुलफिल कर देगा, ये सब हो जाएगा. अगर इसमें और सॉलिड वाला चीज लेना चाहिए है, फॉर एग्जांपल सॉलिड वाला लेना चाहिए तो है ना, हमारे पास अभी तो पहले नहीं था, हमने कितना हसब से इंतजार किया, वो डब्बा इधर देखता ही नहीं. हाँ सीरियल, स्पिरुलिना सीरियल, स्पिरुलिना सीरियल पानी में हो या तो दही में हो, लस्सी या तो दूध, क्या चीज अवेलेबल होता है उसमें अगर हम मिक्स करके पियेंगे तो कितना मतलब सपोर्ट करेगा अपना हेल्थ के लिए. और कई लोगों को फास्टिंग नहीं करता है लेकिन जहाँ कहीं खाने को नहीं मिलता है, राइट, शायद घर में अपना जगह में तो खाता होगा और या तो ऑफिस में भी ऐसे जगह होगा कोई दूसरा को है ना, रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग खाते हैं लेकिन रेस्पेक्ट करते हुए, राइट. सो अपने को कुछ हाइडिंग करके ऐसा खा, तो ऐसा लोगों के लिए भी खाना तो पहले जैसा हमेशा जितना अवेलेबल होता था बाजार में, अभी तो ऐसा अवेलेबल नहीं है तो उन लोगों तो प्रॉब्लम है ना. तो ऐसा लोगों को ये खाना अगर हम देंगे नहीं तो उसको भी शायद 14-15 घंटा उसको भी फास्टिंग करना पड़ेगा फिर, नहीं तो ये खाना उसको सजेस्ट करेंगे, नहीं तो भी घर से निकलने से पहले घर में आने के बाद ये हमारा स्पर्लिना हो गया, ये हमारा कोई भी प्रोडक्ट ये सीरियल हो गया या तो कोई माइक्रोबेजी हो गया, इसको अगर हम यूज करने की सलाह देंगे तो उसको लिंगरिंग एनर्जी, एक कप कॉफी भी कम से कम पी के निकलेगा तो हमारा कॉफी तो ऐसा नहीं कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बॉडी को स्टिमुलेट करने वाला जैसा, हमारा बॉडी को क्या करता है ये लिंगरिंग एनर्जी देता है, लंबा अरसा तक एनर्जी देता रहता है. सो ये एक्चुअली अभी का नीड है, अभी के ये स्पेशली ये महीने का, और जो फास्टिंग करने वालों के लिए भी, फास्टिंग नहीं करने वालों के लिए, तो आप लोगों को ये टाइम में जो बाकी टाइम में आप लोग बाकी महीना
बाकी 11 महीने में आप लोग ने क्या क्या प्रोडक्ट यूज करता होगा, रेगुलर प्रोडक्ट, ये टाइम में थोड़ा अलग टाइप का प्रोडक्ट यूज करके वो प्रोडक्ट को खुद को एक्सपीरियंस करना और एक्सपीरियंस गैदर करके लोगों को समझाने के लायक बनने का टाइम है एक्चुअली। और वो नीड को अगर हम समझेंगे तो शायद किसी की जरूरत है, उनका जरूरत हम फुलफिल कर देंगे तो रेडी होएगा ना। दूसरी बात है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को बहुत मिल चुका है, नया लोग का बात अलग है, लेकिन पुराना लोग को ये कंपनी, इसका प्रोडक्ट, सिस्टम, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लोगों को ऑलरेडी है आप लोगों के पास। तीसरा इनोवेशन, कोई एक काम, कोई प्रोडक्ट को यानी अच्छी तरह से मार्केट में फैलाने के लिए कुछ नया इनोवेशन बोले तो पहले नहीं था ऐसा नया तरीका, वो ढूंढ निकालना बहुत जरूरी होता है। सो हमारा प्रोडक्ट में भी ऐसा ही है। आप लोग अगर मेरा स्टोरी बताऊं तो ये माइक्रोवेजी जो आजकल बहुत पसंद करता है ना लोग, माइक्रोवेजी जो खाना है, तो इसको अगर हम लेंगे किसी लिक्विड में मिक्स करके तो पेट भर जाएगा, है ना। कोई नया लोगों के लिए सुनते लगा होगा, लेकिन रियलिटी यही है। पीने के बाद हमको पानी और पीना चाहिए, पेट भर जाता है, क्योंकि ये हाई फाइबर फूड है। ओके, सो ये माइक्रोवेजी सेल्फ में बैठता रहता था, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज से लेके शायद 10 साल पहले की बात है। तो हमने क्या सोचा, अरे इतना अच्छा खाना है, हमने डॉक्टर लिंग का एक मीटिंग, एक सब्जेक्ट का मीटिंग बहुत बार लिया, वो सब्जेक्ट है क्या, आप लोगों ने भी उसके बारे में सुन चुके हैं कई लोगों ने, 5 हेल्दी लिविंग थ्योरी सुना, कितना लोगों ने सुना, तकरीबन 30%। सो 5 हेल्दी लिविंग थ्योरी में वो डॉक्टर क्या समझाते हैं हमारे डॉक्टर, कि फर्स्ट जो थ्योरी है खाना को कम खाना, ओके, और खाना को कम खाने के लिए सपोर्ट करने वाला चीज ये है करके उसने एक्सप्लेन कर। तो लोगों ने तो ये नहीं किया, चीज तो है यूज नहीं किया। हमने एक दिन क्या सोचा, हाँ इसको अगर अब हम ट्राई करेंगे शायद नया इनोवेशन मार्केट में लेके आ सकते करके हमने सोचा। तभी मार्केट से इसको निकाल के उस समय कीवी का जूस भी पाया था यूएई में भी, कीवी का जूस और ये कोकोजी और ये माइक्रोजी, तीन चीज इतना अच्छा इसका कॉम्बिनेशन होता था। और आजकल कीवी जूस नहीं, नो प्रॉब्लम हमारे पास, रोसेली उस टाइम में ये रोसेली नहीं था, रोसेली और ये तीन चीज, नहीं तो कोई भी जूस आप पसंद करते हो डीएक्सएन का, मोरेंजाइम हो सकता है, तो ये तीन चीज का अगर कंबाइन करके अगर हम पियेंगे तो इतना अच्छा लगेगा, हमको भी ऐसा ही अच्छा लगा। तो हमने क्या किया, अपना जो लोग, आप लोग जो कई लोग बैचलर होंगे इधर, राइट, ज्यादा लोग बैचलर ही है, शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं, राइट, सो शेयरिंग में कम से कम 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कितना लोग आप लोग रहते हो, 4 लोग मिनिमम है, है ना, मिनिमम 4। तो 4 लोग, हमने, हमारा भी उस टाइम में ऐसा ही था, तो हम भी 4-5 लोग रहते थे, है ना। तो हमने ये स्टार्ट किया, सबको यही खिलाया, तो उन लोगों को भी अच्छा लगा, शुरू शुरू में तो अजीब सा लगा उन लोगों को भी, तो बाद में जाकर उन लोगों को भी अच्छा लगा, मतलब पेट भर सकता है करके। तभी हमने फिर वो मैसेज को स्प्रेड करना शुरू किया, तो धीरे धीरे जाके 3-4 माह के बाद ये यूएई में पूरा इसका क्या बोलता है, इसका इन्फॉर्मेशन ज्यादा फैल गया, तभी लोगों ने इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। उस टाइम में बिजनेस भी ऑलमोस्ट डबल होने लगा, सबका बिजनेस है डबल होने लगा। तो ये जो फायदा लोगों को हो गया था, किस वजह से जी, इनोवेशन की वजह से। हाँ, डीएक्सएन प्रोडक्ट तो है ही, डीएक्सएन प्रोडक्ट में हमने क्या बोल रहे हैं, इनोवेशन लेके आना चाहिए करके, अगर ये प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मार्केट में फैलाना है तो इनोवेशन की वजह से। सो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते, कितना लोगों ने माइक्रोवेजी अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं रोज, बहुत कम हाथ है, इसका मतलब क्या है,
इनोवेशन। सो ये महीना स्पेशली ये इनोवेशन करने का महीना है, हाँ? तो आप लोग अगर ये महीने में भी ट्राई नहीं करोगे, आई डोंट थिंक दूसरा महीने में जाके फिर इसको आजमाओ। सो अब ये बात सुनने के बाद कितना लोग रेडी है ये चीज यूज करने के लिए? नहीं, जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, कर रहे हैं। कितना बाकी जो नहीं कर रहे हैं उतना वो लोग रेडी है करने के लिए? दो तीन चार हाथ ऊपर हो गया, उनका हाथ है आप। सो आप लोग ऐसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा स्टोरी के तरह आप लोग बोल रहा हूँ, लेकिन ये इनोवेशन इतना भी हम नहीं करेंगे तो सक्सेस सबको होना है ना? यस यस, तीन चार यस आया, यस सबको होना है, यस सक्सेस सबको होना है। मैं पहले भी बताया डॉक्टर लिम का इतना मेहनत हार्ड वर्क करने के बाद वो अभी सक्सेस है, पूरा दुनिया में उसका बिजनेस फैल गया है। एक एक सौ यानी 100,000 रिंगेट से शुरू किया बिजनेस, कितना से 100,000 दिरहम की तरह है, सिमिलर है, तो 100,000 दिरहम से शुरू किया हुआ बिजनेस अभी पूरा दुनिया छा गया है बिजनेस, और ये बिलियन टच करने वाला है शायद ये ईयर में बिलियन टच। लेकिन इन्होंने मेहनत भी कम नहीं किया है, अभी तक भी कर रहे हैं। सो ये प्रोडक्ट बनाने से मार्केट में लेके आने से पहले उनका बड़ा मैंने क्या बोलता है कि तारीफ करने वाला उनका हार्ड वर्क था, इसके वजह से मार्केट में आ गया। अभी हम लोग एक बार के खाना के चेंज करने में भी इतना भी अगर नहीं कर सकते हैं तो बड़ा एक्सपेक्टेशन आना कैसे? हमने हमको ये नहीं करना है कि इसमें कितना टाइप का फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रेन्स है, 23 मार्केट में जाके 23 टाइप्स का चीज खरीद करके लेके आने की जरूरत है नहीं। उसमें 23 टाइप्स में क्या क्या है क्या नहीं है चेक करने का कोई जरूरत है नहीं। उसको कितना कितना प्रोपोर्शन में रखना, मिक्स करना, 23 टाइप्स है ना, उसमें कितना कितना प्रोपोर्शन में मिक्स करके ये रेडी करना, उसका झंझट है नहीं। कुछ नहीं, बस खाना है। हमको क्या करना है, इसको ओपन करके दो स्कूप निकाल के मिक्स करके पीना है, इतना तो। और फायदा के बारे में अगर हम बात करेंगे, देखिए डीएक्सएन करने वाला कई बोलता है मैं डीएक्सएन कर रहा हूं, कई सालों से कर रहा हूं, जल्दी आए वो गर्व के साथ बोलता है, कई सालों से कर रहा हूं, लेकिन करता क्या है, टूथपेस्ट साबुन शायद कॉफी ये चीज यूज कर रहा है। वो टूथपेस्ट साबुन कॉफी से कितना पॉइंट मिलेगा, और उसको बिजनेस भी करना है, 20 पॉइंट मिलेगा, कब जाके ये 100 बनेगा, कब जाके 1000 बनेगा, कब जाके 5000 बनेगा, तो डायमंड में क्वालिफाई होने के लिए कब जाके 10000 बनेगा, थोड़ा यानी अच्छा वाला बोनस मिलने के लिए कब जाके वो 20000 का ऊपर जाएगा टीएसआई में क्वालिफाई होने के लिए, और टाइम रहेगा तब तक वो थक चुका होता है तो छोड़ देता है, राइट? अभी देखो ये खाना अगर हम दो स्कूप अगर खाना एक बार के खाना को रिप्लेस करेंगे या तो रिड्यूस करेंगे तो एक बार के खाने से हमको तकरीबन 2 पॉइंट मिलता है, 30 दिन में एक एक बार का खाना ये बनाएगा, चाहे ब्रेकफास्ट हो या तो लंच हो डिनर, आपको क्या पसंद होता है क्या इजी होता है वो करेंगे तो 60 पॉइंट इसमें से मिला कि नहीं मिला। कभी कभी दोस्त लोग आके शायद दो महीने में दो चार पांच लोग आगे ये इसको पिलाएंगे हम तो भी मुश्किल नहीं 70 पॉइंट मिला, राइट?
हमने क्या करते थे मीटिंग करने के बाद उस टाइम पे यार, अभी नहीं अभी तो बहुत व्यापक हो गया ये, तो उस टाइम भी क्या करते मीटिंग करने के बाद मेरे साथ डिनर करने के लिए कौन चलेगा बोल के मैं पूछता था, है ना, क्योंकि मीटिंग के अंत होने तक ज्यादा लोग भी नहीं होता था बाहर, तो मेरे साथ जाने वाला दो चार लोग होता था, सो ऐसा लोगों को मैं घर में ले जाके डिनर ये खिलाता था। कई लोगों को हमने शायद थमन को लेके गया, जीत को लेके गया, ये लोग घराना है थोड़ा, है ना, कई लोगों को लेके गया, वो खिलाया, इन लोगों को सिखाया, बाद में वो लोग भी यही करना शुरू किए। सो ये जरूरी नहीं आप इसका ही इनोवेशन करो या इसका ही आपको मतलब है ना मतलब इस तरह से मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट कर सकते, लेकिन इजी है, इससे इजी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें से फायदा भी मिले, पीवी भी ज्यादा, बेनिफिट भी ज्यादा और क्या बोलते बोनस भी ज्यादा, तो ऐसा मिलने वाला प्रोडक्ट एक ही है, इसीलिए मैं इसका इनोवेशन किया था। आप लोग भी क्या कोशिश करो, चार लोग रहते हो ना, ट्राई करो, है ना, कभी हम रोटी खाते हैं, कभी हम चावल खाते हैं, कभी हम चाउमीन नूडल्स खाते हैं, है, कभी हम क्या क्या खाते होंगे ये भी खा के ट्राई करते हैं ना क्या होता है। नहीं हो गया तो पहले वाला राइस तो ऑलरेडी है ना लुलू में, कभी खलास नहीं है कैलिफोर्निया कितना है वो, तो इसका टेंशन नहीं लेना, वो तो बहुत है, है? इसमें से अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वो चीज तो है ना, वो खलास नहीं होएगा, अभी टेंशन लेने का नहीं, तो ट्राई करके देखने का। सो ये हो गया इनोवेशन। और कई लोगों ने इसको हमने देखा, जैसे अभी जोर्डन का लोग किस तरह से इनोवेशन कर रहा है, उन लोगों ने अपना अपना रेसिपी बना के, किसी ने केक बनाता है, किसी ने सूप बनाता है, बहुत तरह का डीएक्सएन का प्रोडक्ट है। हमने देखा डीएक्सएन का प्रोडक्ट है, मास्क बनाया, ऐसे ऐसे तो हम देखा रसना आके इधर हर टाइम आके समझाते हैं आप लोग, राइट। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कोई केक बना रहा है, कोई सूप बना रहा है, बहुत तरह तरह का खाने पीने का चीज डीएक्सएन का प्रोडक्ट से बनाया, वो भी एक टाइप का इनोवेशन है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, और उन लोगों के ऐसा ही लोगों को बुला के एक एग्जीबिशन टाइप का बनाया, डीएक्सएन ऑफिस में किधर हॉल बनाया कैसा है, तो लोगों ने ट्राई किया, उसका वो ट्राई कर रहा है, कोई नया आ रहा है वो भी ट्राई कर रहा है, तभी उधर कितना अच्छा बिजनेस जा रहा है। सो कुछ ना कुछ आप लोगों को देखना चाहिए, है ना, तो ये चीज सिंगल सिंगल तो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें दूसरा मिक्स करके दूसरा टेस्ट बना के किस तरह से मजा आता है अपने को, क्या करने से सेम टाइम में बिजनेस पे आगे जा सकता है, उसको आप लोग कुछ फाइंड आउट करेंगे, डिस्कवर करोगे, तो बिजनेस का करने का मजा ही कुछ और आना शुरू हो जाएगा। और चौथा बात अगर हम करो तो सेल्स फोर्स, आप लोग कितना लोग स्टार है इन अंदर, स्टार एजेंट, स्टार एजेंट, ओके, स्टार एजेंट बनने के लिए कम से कम 25-30 लोग का टीम तो चाहिए। आप लोगों को इससे कम तो नहीं होगा, कोई कोई पुराना वाला स्टार एजेंट था उसका टीम में बहुत सारा होगा, कम से कम भी 25-30 लोग जब आ जाएंगे वो लोग को रिपर्चेस भी शायद करेंगे, 4,500 हो जाएगा स्टार एजेंट बनेगा, यानी लेट्स से 25 एवरेज में 25 लोग, वो 25 लोग आपका क्या है, आपका आपका सेल्स फोर्स है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका फिक्स एसेट्स है, उसको क्या क्या नाम आप दे सकते हो दे दो, लेकिन ये आपका सेल्स फोर्स है। सो मतलब आपका ऑलरेडी एक टीम है, वो टीम को ये बात को अगर हम सिखाएंगे कि क्योंकि अकेला करना हो, कोई आप लोग ने स्कूल में या तो कोई कार्टून वगैरह इसमें आप लोग ने देखा, स्कूल का टीचर बच्चे लोग को एक एक स्टिक देता है, एक एक स्टिक देता है, बाद में बच्चे लोग को पूछता है कि बच्चा बच्चों ये स्टिक को तोड़ो, क्या क्या बोलता है उसको, भांचो, क्या बोलता है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तो स्टिक को तोड़ो, तो बच्चे लोग एक एक स्टिक है ना छोटा छोटा स्टिक सब ऐसा ऐसा करके तोड़ देता है, सबने तोड़ा, सबने तोड़ा ने, सबने तोड़ा, हाँ टीचर, बाद में फिर वो उसने क्या किया टीचर ने, वो
जितना साइज का जो लकड़ी था उसको 10 इकट्ठा करके बांध के बच्चे लोग को बारी बारी करके दिया, तोड़ तोड़। वो बच्चे लोग बहुत ट्राई करता है तोड़ने के लिए, किधर छूटेगा, और 10 है पहले जैसा एक नहीं ना। सो मतलब क्या है, आप पहले शुरू करने के टाइम तो एक था, ओके, अभी तो जो स्टारजन बन गया, स्टारजन बनने में कोई एक महीना लेता है, कोई दो महीने, तीन महीने, समझो 6 महीने, ओके, 6 महीने, 25 लोग हैं, वो आपका एक स्ट्रेंथ है और आपका सेल्स फोर्स है। आपने सही तरीके से वो 25 लोगों को अगर सिखाएगा तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि टीम ऑलरेडी है आपकी, है ना। आप अकेला 100 पीपी खरीद करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, 25 लोग भी यही करेगा तो 25 हो गया ना, है कि नहीं? 25 लोग एक एक बंदा को लेके आके सिस्टम में ज्वाइन करेगा महीने में यार, तो 25 और नया आ गया ना, है कि नहीं? सो 25 लोग 10-10 लोगों को मार्केट में ये प्रोडक्ट, एक छोटा छोटा प्रोडक्ट दिएगा तो 250 लोग आपको कंज्यूमर मिल सकता है ना, मिला ना, तो इसका पावर है एक्चुअली। ये क्या है, ये टीम का पावर है। सो ये सेल्स फोर्स ऑलरेडी आपके पास है, उसको यूटिलाइज करने के तरीका आप देखो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ यानी इंफॉर्मेशन फ्लो करो, उसको सिखाओ आप क्या जानते हो, उसको साथ में लेके चलो। कई लोगों को मैंने क्या किया, परसों हमारा एक भाई भक्ति सड़ा है, वो फुल टाइमर होके, मतलब है ना, जॉब रिजाइन किया, वो अभी डीएक्सएन में फुल टाइमर हो गया, मुलुक भी चला गया, अभी वो बोल रहा है कि दिल्ली जाएगा, इंडिया किधर किधर जाएगा, इधर भी बाद में आएगा, मुलुक के अंदर भी करेगा, मतलब फ्री होके करेगा, ये डिसाइड करके वो चला गया। उनको मैंने बर्दुबाई में बस है ना, पब्लिक बस में उनको मैं सिखाया था कैसे हम अनजान लोगों को, स्ट्रेंजर्स को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, वो भी बस के अंदर, क्योंकि बस के अंदर तो वो बंदा भागेगा नहीं ना, कूदेगा तो उसका खतरा है, है ना, तो अच्छा जगह है, तो उधर जाके हम करके दिखाया पहले, मैंने कोई स्ट्रेंजर था, मैंने करके दिखाया, बाद में वो भी हाँ इस तरह से, उसको भी कुछ हिम्मत आया होगा, तो उन्होंने भी करना शुरू किया, वही बात मीटिंग में वो शेयर करता था। So, ये आप लोग को करना है खुद को, क्योंकि बंदा अकेला यानी खुद बखुद स्टारजन नहीं बनेगा, खुद बखुद डायमंड नहीं बनेगा, जब तक नहीं, जब आप ज्वाइन, जैसे भाई ज्वाइन हो गया ना, अभी इनको लेके आना है लोगों को, तो टक 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 करके 6 लाइन में अपना डायरेक्ट में रखना पहले, तभी उन लोगों को सपोर्ट करते जाना, वो लोग भी कुछ करेगा। तो 25 तो बहुत है, लेकिन अगर हम सही तरीके से काम करेंगे, उस काम हमारा करने का तरीका सही नहीं होगा, इसलिए हम बहुत तकलीफ से काम कर रहे हैं, राइट। तो वो आप सेल्स फोर्स को ऑलरेडी आपके पास है, स्टारजन का तो इतना, रूबी का कितना हो, डायमंड का कितना हो, है ना, वो सीनियर डायमंड एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड का कितना होगा, ये सेल्स फोर्स को सही यूटिलाइज करने की आप कोशिश कर रहे हैं। डीएक्सएन का प्रोडक्ट का बेनिफिट तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम, कोई प्रोडक्ट है कुछ एक्सप्लेन, आप लोग ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं सुना, ऐसा बोला कुछ प्रोडक्ट है आप लोग, सारा का सारा प्रोडक्ट, मशरूम कई बार आप स्पिरुलिना, और मैं ये क्या बोलता हूँ आप लोग को, और भी थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए आपको, या तो कोई लोग, हम मार्केटिंग करने के टाइम में कोई बहुत पढ़ा लिखा लोग भी हमको शायद मिल सकता है, यानी थोड़ा कुछ पढ़ा होगा वो कुछ प्रिटेंड करता है उसको कि मैं बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा करने वाला भी लोग बहुत है मार्केट में, ऐसा लोगों को एक दो वेबसाइट आप लोग दे सकते हो, आप भी पढ़ सकते हैं इसको, है ना। एक तो जो हमारा ज्ञानोडर्मा को समझाने के लोगों को लिए आप लोग कौन सा वेबसाइट देते हो, नॉर्मली लोग इधर dxn2u.com या तो eworld.dxn2u.com ये देता है, राइट। इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग पढ़ के शायद देखा होगा, प्रोडक्ट के बारे में इतना डिटेल में नहीं है, आप लोग उसके अलावा कोई दूसरा वेबसाइट आप लोग नहीं देते हो, ऋषि.com, ओके, वो भी हाँ सबसे बेस्ट
आप लोगों को मशरूम के बारे में, क्योंकि हमारा कंपनी तो अगर उसमें बहुत सारा डिटेल्स भी रखेगा तो भी लोग, देखने वाला लोग क्या, पढ़ने वाला लोग क्या सोच सकता है कि हाँ ये तो कंपनी का साइट है इसीलिए लिखा होगा, ऐसा भी डाउट के साथ भी पढ़ते होंगे, राइट। कोई दूसरा पार्टी है जो इसके बारे में अच्छा बोल रहा है तो वो तो लाजिम लोगों को बिलीव हो जाएगा ना, इसीलिए एक मशरूम के बारे में आपको देना है और आपको भी पढ़ना है। तो क्या है, पफ मेट डॉट ए कम किसने बोला, ओ आर जी जीओबी बोले तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इस तरह से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये क्या है, यूएस गवर्नमेंट का वेबसाइट है। अभी हर जगह में यूएस का एग्जांपल देता है, दिया जाता है, राइट। गरीब से गरीब मुल्क में भी, हाँ यूएस में ऐसा है बोलते हैं ना, तो इधर भी जैसे अभी यूएस में बोले, यूएस में ऐसा बोलेंगे तो लोगों को थोड़ा दिलचस्पी उसमें रहता है। सो ये एक्चुअली ऐसा यूएस गवर्नमेंट के साइट में तो आलतू फालतू चीज नहीं रखा होगा, है ना, बिलीव होता है लोगों को। और इसमें जाके ज्ञानो डर्मा रिसर्च, ज्ञानो डर्मा रिसर्च ये मार के देखो, अगर स्पर्लिने के बारे में बताना है और लोगों को साइट में जाने के लिए बोलना है तो वो तो इजी है, आई आई एम एस ए एम, ये क्या है इमसान, इधर क्या है, हाँ इधर वो आज, इधर वो आज, ओके इमसान वो आज। तो ये दो साइट अगर हम देंगे, क्योंकि दूसरा अगर तो मोरेंजी के बारे में भी दे सकते हैं, मोरेंजी वाले तो नोनी, ये सिंपल है, नोनी नोनी का नाम से यानी बहुत फेमस है ये, सो नोनी बोल के हम दे सकते हैं। नहीं तो स्पर्लिना एंड ज्ञानोडर्मा क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सेकेंड टू नॉन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्लिना एंड नोनी, स्पर्लिना एंड मोरे ज्ञानोडर्मा एंड स्पर्लिना इज सेकेंड टू नॉन होता है। सो ये दोनों का इतना पावर ऑलरेडी है, तो अगर इसमें जाके देखें, इसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन है, कई मैंने पुराना पुराना जमाना से लेके अभी का लेटेस्ट रिपोर्ट भी इसमें है। सो वो एक दो पंडित है उसको, वो भी बड़ा बड़ा जो है ना यूनिवर्सिटी, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करके उसमें रखा गया। तो इंसान बोलेगा तो ये क्या है, इसका है स्पर्लिना, वो भी WHO और यूनाइटेड नेशन के जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइजेशन जिसने सिर्फ ये स्पर्लिना के बारे में काम करता है एक्चुअली, और स्पर्लिना को इंफॉर्मेशन दे के लोगों को इंस्पायर इनकरेज करता है पूरा दुनिया में कि ये स्पर्लिना खाओ, यूएस में ये फायदा है। सो ये आप दे सकते हो। और बेनिफिट के बारे में हम बात कर रहे थे, आप लोग को ऑलरेडी मालूम है बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट घर में बैठे बैठे जनरल हेल्थ को मेंटेन करना, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, कोई भी जब प्रॉब्लम हो जाएगा ना, घर में नहीं बैठ सकता ना, हेल्थ का कुछ इश्यू बन जाएगा, घर में नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं जाना चाहिए। लेकिन ये चीज क्या है, घर में बैठे बैठे जनरल हेल्थ को मेंटेन कर पाने वाला चीज। और इसका अगर इनकम के बारे में बात करूं, है ना, इनकम के बारे में अगर बात करूं तो घर में बैठ के, ये एक्चुअली होम बेस्ड बिजनेस है, घर में बैठ के पूरा दुनिया में प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं और पूरा दुनिया का दुनिया में प्रोडक्ट मोबिलाइज होने के बावजूद जितना हमको बेनिफिट मिलने वाला है वो कंप्यूटर हिसाब करेगा कंपनी का, वो अपना घर में बैठे बैठे मिलेगा शॉर्टकट में। ये अगर चाहिए बोल के अगर हम लोगों को बताएंगे चाहिए तो लेगा, नहीं चाहिए नहीं लेगा,
राइट। सो डिटेल में हमको बताने की इतना जरूरत नहीं है, एक ही यानी इसको है ना समराइज करके एक ही सेंटेंस दो सेंटेंस में अगर हम बोलेंगे वो बेनिफिट है। और तीसरा भी बेनिफिट बोलेगा था, जिसके पास हेल्थ है, जनरल हेल्थ मेंटेन हो गया है, और जिसके पास एक क्या बोलता है रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन गया है, तो उसका लाइफ में हैप्पी हैप्पी छा जाएगा, हैप्पीनेस। इसीलिए क्या होता है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन हो गया तो बिजनेस डीएक्शन है। शायद दूसरा बिजनेस ऐसा ऐसा मिलना मुश्किल है। अभी अभी मैं मुलुक में तीन महीना तक मुलुक में था, एक हमारा दोस्त बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है उधर, वो उसका उसका जो है ना आइटम है जनरल चीज है ना, उसका कोई डीलर है कोई क्या है, वो बेच रहा है सामान को करोड़ों में है उसका सेल महीने में। तो उन लोगों को भी कुछ स्कीम दिया जाता है, इतना शेयर करेगा महीने में या तो छह महीने में एक साल में तो कुछ ना कुछ फ्री ट्रिप ऐसा गिफ्ट कुछ देता है ना, उसको भी बैंक का ट्रिप दे दिया वो कंपनी जिसको जिसका सामान भी वो बेच रहा था, अच्छा सेल परफॉर्मेंस हो गया उसका, बैंकॉक में उसको ट्रिप जाने को मिला। लेकिन बंदे क्या कह रहे मैं नहीं जा रहा है बोलते हैं, मुझे क्यों फ्री में मिल रहा कंपनी जाके थोड़ा मजा करके आओ ना। तो वो क्या बोलता है मैं सात दिन के लिए पांच दिन के लिए इधर से अपना धंधा को छोड़ के जाएगा ना, आने के बाद मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, समझे। तो उसको पकड़ के बैठना चाहिए, यानी सुबह से शाम तक कितना टाइम स्पेंड करता है वो तो है ही, और उसमें बहुत सारा टेंशन है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये भाई को देखो कितना महीने मुल्क में बैठ के आया, पांच महीने अरे छह महीने पहले आना चाहिए। तो पांच महीने मुल्क में बैठ के आया है कुछ ऐसे, पांच महीना वो पांच दिन के लिए नहीं जा रहा है अपना बिजनेस को छोड़ के, ये पांच महीने बैठ के आने के बाद ही उतना ही इसका बिजनेस का बेनिफिट मिल रहा है, या तो उससे शायद बढ़ गया भी होगा, बड़ा डायमंड ज्यादा बन गया है पांच महीने में। सो देखो ऐसा बिजनेस कुछ है तो मेरे को बताना। सो मैं भी तीन महीने मुल्क में मैंने कुछ भी नहीं किया, दो चार लोग है ऐसा करो कुछ, कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जो मेरे को आइडिया है वो आंसर देता था, दो चार लोगों को बताया ये करो वो करो, दो डायमंड भी आ गया इसलिए मैं क्राउन डायमंड बन गया। गया था अपने फैमिली के साथ साथ, कभी इधर बुलाते हैं कोई खाना खाने के लिए, कभी हम बुलाते हैं, ऐसा कुछ ड्यूटी नहीं है कुछ नहीं, मीटिंग भी नहीं इतना, कभी कभार मीटिंग छोटा छोटा मीटिंग करता था हम डीएक्शन की मीटिंग। सो आने के बाद भी वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही इनकम चल रहा है और भी बढ़ रहा है, तो ऐसे बिजनेस है। तो घूमने के लिए ये भाई भी शायद ये साल में कितना कंट्री में गया, ये साल में तीन कंट्री में तो गए, नेपाल गया नहीं चार कंट्री में, यूएई आया फिर जॉर्जिया गया फिर इंडिया गया, चार हो गया ना। इधर जॉब करने वाला अच्छा जॉब है बोलता है लेकिन वो पांच महीने में तो किधर भी नहीं जाता है, राइट, किधर इधर ही बैठे किधर भी नहीं जाएगा। सो ये अगर हम सीरियसली इसको हम देखेंगे तभी इसके बारे में हमको ये बिजनेस का जो जो है ना थीम, ये बिजनेस का रिदम पावर, बिजनेस का पावर, इसका पोटेंशियल है तभी हमको मालूम पड़ जाएगा। इसीलिए लोग इसमें स्टिक होके बैठा है, कई लोगों का इनकम अच्छा नहीं होगा है, इनकम अच्छा नहीं होगा फिर भी स्टिक होके सिस्टम में बैठ रहा है, क्यों, उनको मालूम है एक दिन ये बिजनेस ऊंचाई में लेके जा सकता हूँ करके उनको भरोसा है, इसलिए है। कोई कोई लोग क्या है कि टॉलरेट नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है ना, कोई कोई के पास क्या है पेशेंस नहीं है इतना, जो है ना क्या बोलता है इसको धैर्य करने का ये हिम्मत नहीं, इसीलिए दो चार दिन दिखाई देता है उसके बाद किधर चला जाता है मालूम नहीं है।
जो हमारे साथ जो जिस दिन मैंने वो इनोवेशन इनोवेशन में बात किया ना, जिस दिन में पहली बार मैंने माइक्रोवेजी कोकोजी और जो कीवी के जूस खरीद करके ऐसा ही मीटिंग छोटा बना के घर में जाके सबको बना के पिला है। शुरू के फर्स्ट डे में तो वो लोग भी हंसा था ओके, लेकिन वो सब लोग अभी फुल टाइमर है डीएक्सएन। क्या बोल रहा डीएक्सएन बन रहा है स्टार है, रूबी डायमंड का बात नहीं, फुल टाइमर है, जॉब नहीं है, सब फ्रीडम है। तो उनके बाद भी कई ज्यादा लोग आ गया, लेकिन ये इनोवेशन की वजह से। तो इसीलिए मैं बार बार हर मीटिंग में इसको इम्फेसिस देने का रीजन ये किया, आप लोग भी अगर ये काम करोगे तो आपको भी फ्यूचर में जाके ऐसा ही ये स्टेज में आके बोल पाओगे मेरा जो रूममेट था सब फुल टाइमर है। मजा आएगा yes. तो इसके लिए स्क्रैच क्या है, एक बार का खाना को रिप्लेस करो, ये स्क्रैच लेवल है। टूथपेस्ट बस चेंज करने से ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा ओके। सो ये स्क्रैच आप लोग करोगे तो फ्यूचर में जाके आप सब लोग का अच्छा बड़ा टीम हो सकता है, आप लोग खुद नॉलेजेबल हो सकते हो और कई लोग आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन में डायमंड बन के इधर उधर जाके मीटिंग करेगा। अभी मेरे को आइडिया नहीं होता है कौन किधर जा रहा है, क्या मीटिंग दे रहा है, मेरे को मालूम कभी कभी है ना वो मैसेज भी पढ़ने को, क्योंकि बहुत सारा ग्रुप बनाता है ना वो में भी व्हाट्सएप में भी मैसेज भी पढ़ने को नहीं होता है, लेकिन कोई किधर क्या कर रहा है, किधर जाके मीटिंग कर रहा है, किसने बोलता है वो बाद में मिलने के बाद, मैंने अभी बाद में मिलने के बाद पहले मैं मीटिंग आने से ये भाई हाँ ये क्या बोल रहा है मलेशियन कॉन्सुलेट आने मलेशियन हाई कमिश्नर को ले आके उन्होंने 2000 टीवी का सामान खरीद करवाया बोल के अभी मेरे को मालूम है, मेरे को आइडिया नहीं कौन किधर क्या क्या हो रहा है मेरे को मालूम है। सो ऐसा हो जाता है, लेकिन हमको थोड़ा शुरू में थोड़ा तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को वो सेल्स फोर्स को है ना आप पहले नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अगर दे पाओगे तो आगे आगे बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी कुछ क्वेश्चन आया होगा, पहले नहीं।